जो हम जेडीयू कार्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुढ़नी में हाल में ही जेडीयू की बुरी तरीके से हार हुई है और उसी पर चर्चा होगी कि एक तरफ हम जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी जो है वो क्षेत्रीय में ही अटकी हुई है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की बात हो रही, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव में जेडीयू को बुरी तरीके से हार हो जाती है। और आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार हुआ है कि महागठबंधन जब से बनी है तब से पहली बार जेडीयू और भाजपा का आमना सामना हुआ था और उसमें जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से हार गई। 3645 वोटों से जेडीयू की हार हुई है कुढ़नी में और इसको लेकर चर्चा होगी। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ललन सिंह जो हैं वो बैठे हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और तमाम राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। चर्चा इसी बात की होगी, यहीं से शुरू होगी कि आखिर हार कहाँ हुई, आखिर हमारे पार्टी से चूक कहाँ हुई। जहाँ एक तरफ हम ये दावा करते हैं कि हम जो योजना पहुँचा रहे हैं बिहार सरकार की योजना वो हर घर पहुँच रही है, तो आखिर चूक कहाँ हुई। कल खुला अधिवेशन है, खुला अधिवेशन का मतलब कि कल जेडीयू के तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता रहेंगे और वहाँ पर सबको संबोधित किया जाएगा, बताया जाएगा कि जेडीयू को मजबूत करना है, जेडीयू कमज़ोर पड़ रही है और उसको मजबूत करना है। 2005 का जेडीयू और 2022 का जेडीयू कहाँ से कहाँ चला गया, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं ललन सिंह वो दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो इस पर भी चर्चा होगी कि अब जेडीयू को आगे कैसे बनाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में 2023 हो गया और अब तैयारी होगी 2024 की, यानी लोकसभा की तैयारी होगी और उसको भी लेकर एक महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है कि 2024 के चुनाव में कैसी जेडीयू की रणनीति रहेगी। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार गए हैं भाजपा को ठुकरा कर, तो अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है देश में और उसको टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार बीरा उठा लिए हैं, सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का बीरा उठाए हैं। और जेडीयू कार्यालय में देखिए शांति है, उतनी भीड़ नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और जेडीयू के राष्ट्रीय स्तर पर नेता देखे तो एक आध दो ही नेता हैं, इसलिए वही नेता आए हैं, सांसद जो है वो लोग आए हैं, गाड़ियाँ सभी लगी है, गाड़ियाँ कुछ बाहर लगी हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं उन तमाम नेताओं के साथ और इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जेडीयू से चूक कहाँ हो रही है। भैया जब हम एक तरफ जेडीयू को राष्ट्रीय स्तर पर पेश करने की बात कर रहे हैं तो वहाँ क्षेत्रीय स्तर पर जेडीयू कमज़ोर क्यों हो रही है? अगर जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो पुलिंगी जाकर कमज़ोर हो जाएगा। इस चीज़ों पर बात हो और ये भी चर्चा होगी कि जेडीयू को मजबूत कैसे बनाया जाए, क्या तेजस्वी से अलग रह के मजबूत होंगे या फिर तेजस्वी के साथ मजबूत होंगे, और जब मजबूत होंगे तो कैसे मजबूत होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत कर रहे हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूत करना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया।